नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन खरीदने से पहले सावधान, यानी कि जमीन खरीदने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको जानेंगे, उसको समझेंगे दोस्तों। और समझने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमीन खरीदने से पहले कुछ सावधानियां नहीं बरतने के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है सो जमीन खरीद लेते हैं और उन्हें बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ बहुत कुछ परेशानियां होती है जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि मतलब कोई भी जमीन जब हम खरीदें तो क्या क्या सावधानियां बरतें जिसके कारण आगे आगे जो है हमारे साथ कोई प्रॉब्लम जो आती है वो ना हो पाए। ठीक है, कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, चलिए उसको अब समझते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर एक जो है वो ये है कि आप जिस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं उस जमीन को देखिए, उस प्लॉट पर जाकर उसे देखिए। ठीक है, वह जमीन एकदम सही रूप से जिन व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उन व्यक्ति के कब्जा में वो जमीन है या नहीं, पहला चीज इसको आप देखिए, समझिए। ठीक है, अब है नंबर दो पे चलते हैं। नंबर दो पे आप किसी अमीन का साथ लेकर, मदद लेकर, ठीक है, उनका एडवाइस लेकर उस जमीन के पेपर को कहिए पढ़ने के लिए, और पढ़कर वो आपको समझाएं। ठीक है, तो मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं पेपर वही है, यानी कि दोनों एक ही चीज है। जिस जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं वही पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नंबर तीसरा है दोस्तों कि जब ये दोनों काम क्लियर हो जाए तो तीसरे नंबर पर जो है आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं, जिस मौजा में वह जमीन पड़ रहा है, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से आप मिलिए। ठीक है, आप वहां जाइए, उससे अनुरोध करके उस पेपर को लेके जाइए जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसका पेपर होना चाहिए, और उस पेपर से आप रजिस्टर टू में देखिए कि उनका जमाबंदी कायम है या नहीं। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि जिस जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं असल में उसके पास उस जमीन का जमाबंदी कायम है या नहीं, ये क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्लियर पता चल जाता है, अगर जमाबंदी कायम है तो उस जमीन को आप खरीद सकते हैं। फिर भी एक चौथा नंबर जो सावधानी है, ठीक है, उसको अब समझते हैं। जब इन तीनों चीज को आप समझ जाते हैं तो चौथा नंबर जो सावधानी है उसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए जिस जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, उस जमीन को जिस व्यक्ति से आपने खरीदना चाह रहा है, ठीक है, उस जमीन को वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो इस बात का भी आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का पता करने के लिए आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता ये है, अक्सर देखा गया है कि आप जिस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं उस जमीन को जमीन मालिक ने किसी और व्यक्ति को भी सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है। और फिर दूसरे नंबर पर आप जब उसे खरीदते हैं तो आपने जब रजिस्ट्री कराया तो रजिस्ट्री में जब तक आपका समय लगेगा तब तक क्या करेगा, पहला व्यक्ति जो है वो म्यूटेशन के लिए प्रार्थना पत्र देगा, ठीक है, तहसीलदार या राजस्व कर्मचारी के पास। तो वहां से फिर उसका म्यूटेशन हो जाएगा तो वो जमीन उसका हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा, तो वहां पर आपके साथ लफड़ा हो सकता है। तो इससे पहले जो है आप चौथा प्रक्रिया जो है उस सावधानी को बरतें। ठीक है, आप जिस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं उस जमीन के विषय में पता कीजिए कि ये जमीन किसी और व्यक्ति को रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया गया है। ठीक है, और ये चारों प्रक्रियाओं में जब सही पाया जाता है तभी आप जो है जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जमीन खरीदने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।